बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि रेणु देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान शक्ति सिंह हत्याकांड मामले पर तेजस्वी यादव को घेरा। आपको बताएं कि रेणु देवी ने सवालिया अंदाज में तेजस्वी यादव से शक्ति सिंह हत्याकांड को लेकर सवाल कर दिया है। दरअसल बता दें कि विधानसभा चुनाव में राजद के शक्ति सिंह ने टिकट को लेकर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया कि उन्हें टिकट के लिए पार्टी पैसे देने की बात कह रही है। इसके बाद शक्ति सिंह की हत्या हो जाती है। वहीं अब इस मामले को रेणु देवी ने उजागर करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल कर दिया है। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम रेणु देवी ने, आप सुनिए इस वीडियो में। वो दिन भूल गए कि एक अनुसूचित जाति जो डोम जाति का शक्ति सिंह का जो हत्या हो गया, उनकी महिला को क्या किए, क्या वो टिकट के लिए ही हुआ, और क्या टिकट के लिए उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनकी हत्या हो गई, और हत्या के बाद उन्होंने आरोप भी लगाया, आरोप के बाद उनकी महिला की चिंता नहीं है, लेकिन लोजपा में हमारे बहनों की चिंता है। पहले अपने गरिमान में झांके कि हमारे पदाधिकारी को क्या हुआ और उसकी महिलाओं को हम क्या करें, वो उसके बाद वो कुछ कर सकते। धन्यवाद।